दिस इज द कॉफी ट्रफल विच वी बॉट एंड लेट्स टेस्ट दिस कि हमने ये टेस्ट नहीं किया था. मिस्टर शर्मा यू ट्राई. मैं तो फॉलमिनट टीस खाऊंगा इसके बाद क्योंकि मेरे को पता है मुंह का स्वाद खराब होएगा डार्क चॉकलेट का. अच्छा कॉफी है एंड इट्स रियली गुड. एक्चुअली इसके अंदर ना चॉकलेट के अंदर कुछ तो फीलिंग है. वो एक्लेयर्स वाला फील होता है ना. वैसे टेस्ट बहुत अलग है एक्लेयर्स लेकिन एक्लेयर्स वाला जो फील होता है वो है. दिस इज अ हिट देन. Hey you guys, की हाल चाल. वेलकम बैक टू आवर चैनल. हाँ जी और आज हो गया है डे 3 इन ऊटी. हम लोगों ने आज डिसाइड किया है दैट वी विल एक्सप्लोर ऊटी बाय वॉकिंग. यस एंड इट्स गोइंग टू बी. रुकते हैं गाड़ी वाड़ी आ रही है तानू साइड में होके हम लोग बात कर लेते हैं. यस सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली चिल पिल काइंड ऑफ व्लॉग क्योंकि हमने जो मेजर था वो ऑलरेडी डे 1 में कवर कर चुके हैं. एंड इफ इन केस यू मिस्ड इट क्या कर रहे हो यार द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो मेक श्योर. डे ट्रिप गए थे हम कुन्नूर उसका भी व्लॉग आ चुका है आपने देखा नहीं होगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हाँ जी तो ये सब करने के बाद में देर आर फ्यू प्लेसेस विच आर लेफ्ट जो हमने सोचा कि हमारे हॉस्टल से बहुत पास में ही है तो कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है कुछ. हाँ के लिए हम नीचे जाके ऑटो ऑटो पकड़ लेंगे तो लेट्स सी. बट हमने भी वॉक करना शुरू किया एंड फॉर आवर फर्स्ट लोकेशन 25 मिनट्स वॉक है. सो यस कुछ होना हो एक चीज अच्छी हो जाती है हम लोग जब भी ट्रिप पे आते हैं ना हमारे स्टेप गोल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं गारंटीड. एक्चुअली मतलब हमारे कोई नखरे नहीं होते वी सेव मनी एंड वी वॉक एंड एक्सप्लोर एंड एंजॉय. ये कंसिस्टेंसी हम लोगों को घर जाके करनी है ये हर बार हर ट्रिप पे ट्राई करते हैं बट हो नहीं हो पाता. सो अभी वी आर हाफवे देयर. हम लोगों को बीच में एक कच्चा पक्का रास्ता मिल गया है तो शायद रास्ता थोड़ा और छोटा हो जाए. और व्हाट अबाउट यू तान्या हाउ आर यू फीलिंग. कोई नहीं मुझे ऐसा लग रहा है वापस में चल के नहीं आने वाली है इतना ट्रैकिंग हो रही है मेरी. मैं ठीक है डिसेंट है तब चढ़ना नहीं है तब तक अच्छा लगता है और हवा अच्छी है मौसम अच्छा है तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है मज़ा आ रहा है. तो हम पहुँचते हैं फटाफट. सो फाइनली आफ्टर अ वॉक ऑफ नियरली 30 मिनट्स डियर पार्क का बोर्ड तो दिख गया हम लोगों को. होपफुली अभी आगे एंट्रेंस क्या है वो यहाँ से पता चल जाएगा. सो लेट्स वॉक फॉर सम मोर टाइम लेट्स सी एंट्रेंस कहाँ है. सो मिस्ट्री एक आ गई है हमारे सामने. अभी हम लोगों ने जो आपको रोक कर बताया कि 5 मिनट बाद हम लोग इधर आए 15 मिनट और वॉक किया लेकिन अभी भी डियर पार्क नहीं मिल रहा है. और एक्चुअली हमने तक पूछा भी ना इनसे तो लैंग्वेज थोड़ा गैप की वजह से समझ नहीं रहा था. कपिल वाज ट्राइंग टू टॉक इन इंग्लिश वो तमिल या तेलुगु में बात कर रहे होंगे. हाँ. तो जितना समझ में आया उन्होंने बोला ये डियर पार्क फॉरेस्ट रिसोर्ट समथिंग कुछ ऐसा है. हाँ, तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जो वो डियर पार्क फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का है. उनने मेरे को बोला कि डियर पार्क रिसोर्ट है यहाँ पे कहीं पे डियर नहीं है ये रिसोर्ट का नाम डियर पार्क है. इट इज़ अ मिस्ट्री. और अभी एक और गाड़ी वाले अंकल आए थे उन्होंने पूछा वेयर इज़ द डियर पार्क एंड वी वर लाइक हम भी वही ढूंढ रहे हैं तो गूगल में जो दिखा रहा है रियलिटी. और मैंने और तान्या ने दोनों ने देखा था डियर पार्क फोटोज दिखे थे डियर के मेरे को उसमें इस वजह से हम लोगों ने इधर आने का सोचा. और ये 30 मिनट्स वॉकिंग था इसके लिए हमने ऑटो ऑटो कुछ नहीं किया कैब राइट एंड इट इज़ अ मिस्ट्री. अगर बाई चांस आप इधर आए हो या यू बिलोंग टू ऊटी तमिलनाडु एंड इफ़ यू हैव एनी आइडिया लेट अस नो इन द कॉमेंट्स. एक्चुअली मिस्ट्री घर जाके भाई सॉल्व तो हो जाएगी बट राइट नाउ वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स ऊटी लेक राइट. हाँ हम लोग ऊटी लेक के जो चक्कर मार रहे थे हम लोगों को थोड़ा सेंटर पॉइंट उसका क्या एंट्रेंस पॉइंट दिखता हुआ दिख रहा है. हाँ तो हम लोग अभी उधर जा रहे हैं एटलीस्ट कुछ खा लेते हैं और बहुत भूख लग रही है. हाँ और पूछ भी लेंगे बाय चांस किसी को पता हो तो. अगर वहाँ पे डियर पार्क मिल गया तो शायद डियर पार्क चले जाएँ वरना अभी ऊटी लेक पे जाते हैं देखते क्या करने के लिए और उस हिसाब से आगे का दिन बढ़ाएंगे. चलो
फाइनली वी हैव रीच ऊटी लेक। वो डियर पार्क का तो मिस्ट्री रह गया। हाँ, लोगों ने जहाँ से शुरू किया था वो पॉइंट से लेके हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऐसा 70-80% ऊटी लेक का पूरा आजू बाजू का चक्कर मार दिया। एंड यू आर सो टायर्ड, वी कुडंट व्लॉग बिकॉज वो हो रहा था कि भाई कब आ रहा है कब आ रहा है। 2 घंटा वॉक किया, बहुत पैर दर्द हो रहा है। बट एनी वेज वी हैव रीच एंड यहाँ का वो हवा जो चल रही है एंड द व्यू इज ग्रेट। वी आर गोइंग टू शो यू अराउंड बट वी आर थिंकिंग कि हम लोग को बोटिंग करनी चाहिए कि नहीं बिकॉज द रश। हाँ, रश है। और फिर हमने सोचा कि यार इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम आजू बाजू देखते घूमते रियलिटी चेक दे रहा है। तो हम यही रास्ते पे वॉक करके आए थे एंड दिस इज होल द डियर पार्क। हाँ जी, और अभी अभी वी टुक एन ऑटो टू गो टू सम रेस्टोरेंट विच इज़ वेरी फेमस। तो उनने हमको बताया कि ये रास्ते पे नो वन वॉक्स बिकॉज ये जो एरिया है वहाँ पे डियर रहता है और वो डियर के लिए फेंसेज आर ब्रोकन। तो वो फेंसेज ब्रोकन तो टाइगर एंड ऑल और ऑल्सो देयर इन दिस जंगल एरिया, तो ये जंगल एरिया से आ सकते हैं। हमने अलग से ही खतरों के खिलाड़ी किया है, पता नहीं था इसके लिए हो गया, अगर पता होता तो खट्टी होती। बट यू गाइस मेक श्योर नॉट टू डू दैट। नाहर साइड ना, और यहाँ पे ना नाहर अभी होटल नाहर है विच इज़ अ 3-स्टार होटल और उसके अंदर रेस्टोरेंट्स है एंड इट हैज़ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एट डिफरेंट यू नो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट गालाज। तो हम लोग अभी पहले इंडियन चाइनीज़ में चले गए थे, फिर अन्ना सर्च्ड, तो थैंक यू टू हर। वी आर एट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। इन लोगों का नाम एक्चुअली क्या है, चंदन्स। चंदन्स नाहर्स का ब्रांच है फॉर साउथ इंडियन। हम लोग अभी उधर हैं, अभी लंच करेंगे। इट्स क्वाइट फेमस इन ऊटी, लाइक व्हेनेवर यू कम टू ऊटी एंड इवन एग्जॉस्टेड। हम लोगों को लास्ट 2 दिन से लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे आना चाहिए खाना खाने के, सो वी आर फाइनली हियर एंड वी हैव सम फूड। वी आर हंग्री, वी आर टायर्ड, सो चलो खाते हैं, फूक मिटाते हैं, फिर आके देखते क्या खाते हैं। Yes, absolutely a messed up day in Ooty, but we are glad जो जो places हमने सोचा था cover करना था Ooty में हम already कर चुके थे and this didn't affected us in any way. सिर्फ deers देखने नहीं मिले, that is the only effect we had and but in the end what we did was हमने जिस क्या बोलते हैं ऑटो वाले भैया को बोला था दैट यू टेक अस टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ही टुक अस थ्रू डियर पार्क विच इज़ द एग्जैक्टली सेम रूट विच वी टोल्ड यू। तो बट वहाँ पे डियर पार्क इज क्लोज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड उस वजह से डियर्स भी दिख नहीं रहे थे, तो हमने बाहर से भी देखने की कोशिश करी, नहीं दिख रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, कोई ना, बट ठीक है, देखेंगे। केन्या जाएगी, केन्या में जाके डियर देखेगी, चलेगा।
But yes, so it was a great day. It was a great stay in Ooty, and we will be leaving tomorrow, and we will be heading to our next location. So yes, सब कुछ अच्छा था. यहाँ पाओगे तो आपको टैक्सी कैब में थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा, जस्ट अ टिप, क्योंकि यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आपको कैब या रिक्शा ही लेनी पड़ेगी, स्पेशली कैब. टू बी ऑनेस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाइज, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी और वन बिगर लोकेशन टू अनदर, देन यू कैन टेक बसेस. अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर कैब्स एंड ऑटोस. दे आर फिक्स रेट कार्ड्स एज वेल, बट देन ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट, दैट हेल्प्स. So we had a great stay in Zostel. Yes. Highly recommended. So Ooty का तो हमारा first time is Zostel experience था और बहुत अच्छा था. We met so many new people and you know it's a different experience. The experience which we had is in hotels, you know, आप एक room में पड़े रहते हो, आप आते हो explore करके. We were coming daily, ऐसा हम लोग पूरा ट्रैवल करके आते थे शाम को 6-7 बजे. But then too we had the energy to sit at bonfire, talk to people and had those conversations. So बहुत amazing experience. और थकान होती थी, but still it was like कि सबको मिलना है, एक एक दो दो बजे तक जगे हम लोग उस वजह से, बातें करते थे. It was a very great experience. हम बहुत लोगों को मिले हैं वैसे इस ट्रिप पे. तो for the next location also we have booked Zostel, so it's, you know, we are super excited. And यहाँ पे many people were there who had been to that Zostel and they highly recommended कि वो बहुत प्यारा है. It is having beautiful vibes, बहुत beautiful location है. But Zostel is not recommended for like family or with children. So it's for backpackers, couples, वैसे हैं उनके, तो आप पहले कॉल करके आप उनको कर सकते हो. But yes, highly recommended. First time experience था and totally worth it. So yes, ये था छोटा मोटा टिप्स एंड ट्रिक्स. एनी मोर डाउट्स, क्वेश्चंस, यू कैन कमेंट अस एंड वी वुड लव टू हेल्प यू. या फिर इंस्टाग्राम पे भी तुम कर सकते हो, मेक श्योर टू फॉलो अस. सो यस, ऑन दैट नोट वील एंड आवर व्लॉग हियर एंड मेक श्योर टू वॉच ऑल द ऊटी सीरीज. ऑल द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल द कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो मेक श्योर टू चेक इट आउट. सांस में लग गई है इसी वजह से अब हम व्लॉग एंड करेंगे. आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो शेयर करो और जो करना है करो. हमें चलो घूमो, फिर ऐश करो. बाय.